ये है 5 फायरबोल्ट इटर्नो, अ न्यूली लॉन्च स्मार्ट वॉच फ्रॉम फायरबोल्ट, जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ एक सुपर लार्ज 1.99 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। एंड लॉन्च प्राइस था इसका 1999 रुपीज। आज करेंगे हम सिर्फ रिव्यू, क्योंकि अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स गो। इसके कुछ दिन पहले भाई फायरबोल्ट के टर्मिनेटर लॉन्च हुआ था, एंड दोनों ही स्मार्ट वॉच में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करके सॉफ्टवेयर यूआई वगैरह बिल्कुल सेम है। जितने भी फीचर्स है फुल टू फुल कॉपी कर दिया है, एंड पैकेट भी देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर आपको किया जी घड़ी बेचते हुए मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर जिम्मेदारी भाई माई भाई ने लिया है। आगे पीछे साइड में चारों तरफ आपको फीचर्स ही फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे बेसिक फीचर्स है जो कि सारे ही फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में इस टाइम मिल रहे हैं। पैकेट को ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिलेंगे। कूल लुकिंग डिजाइन के साथ आता है, काफी बड़े डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। एंड टर्न ऑन करते ही यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षर में फायरबोल्ट लिखा हुआ दिखेगा। चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलेगा, जिसको वन साइड है यूएसबी ए, दूसरे साइड मैग्नेटिकली घड़ी के साथ अटैच हो जाता है। ऐसे सिंपल है, किसी भी सेलफोन के चार्जर में लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हो। एंड इसके साथ कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, काफी सारा यहाँ इसके साथ वाउचर्स आता है, जैसे बुक माई शो का हो गया, गाना.com का हो गया, बोल्ट प्ले मेंबरशिप हो गया, एंड ऑल्सो एक वारंटी कार्ड आता है। इसके साथ 1 ईयर का लिमिटेड वारंटी आपको मिलते हैं, एंड भाई एक यूजर गाइड जो किसी काम का नहीं होता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। सो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पूरा बॉडी प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इस साइड की तरफ थोड़ा सा वेव शेप का डिजाइन है, एंड जो क्राउन है एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन से साउंड करता है, बट रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन नहीं है। इसको सिर्फ आप प्रेस कर सकते हो, प्रेस करके आप इसका स्क्रीन को टर्न ऑन कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। एनीवे, काफी बिग डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, 1.99 इंच का डिस्प्ले है, बट बेजल थोड़ा बहुत आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, साइड के तरफ एंड ऊपर की तरफ बेजल बहुत ही कम है। और बात करें स्ट्रैप क्वालिटी के, तो काफी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर स्ट्रैप दिया जाता है। 22mm का सिलिकॉन स्ट्रैप है, जिसे आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ सेम सेंसर मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है, एंड एक माइक्रोफोन के लिए होल दिया गया है। बस सिंपल है डिजाइन बहुत। इस वाले स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगा आपको दाव फिट एप्लीकेशन का, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कनेक्ट करने में बहुत आसान है, इजिली पेयर हो जाता है। यहाँ पर आपको घड़ी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जस्ट सिंपल टैप करके कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप ढेर सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वॉच में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिए गए हैं। सो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलेगा। कंट्रोल सेंटर में डीएनडी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, काफी ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप धूप में भी बाहर स्क्रीन इजिली देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, रिमोटली फोटो कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, एंड यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग्स में और एक चीज मैंने बहुत ही अच्छी चीज नोटिस की है, वो है इसका रिंग एंड वाइब्रेशन। अगर आपको इनकमिंग कॉलिंग के टाइम रिंग नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसमें वाइब्रेशन मोड में भी डाल सकते हो, एंड अगर वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए तो आप सिंपल रिंग में डाल सकते हो। दोनों चाहिए तो रिंग एंड वाइब्रेशन में करके रख सकते हो, तो आपको पहले से सेटअप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग कॉलिंग के टाइम अगर रिंग बज रहा है तो उस टाइम रिंग को आप बंद नहीं कर सकते हो, साइलेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो फिर आप आंसर करो या फिर रिजेक्ट करो। एनीवे, और कुछ सारे सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो अपने से आप रिसर्च कर लीजिएगा। आज हम थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे, क्योंकि इसके पहले सेम ही वॉच मैंने टर्मिनेटर में फुल डिटेल्स के साथ रिव्यू किए थे, एंड दोनों वॉच का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 100% सेम है। तो आप अगर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हो तो टर्मिनेटर वाला देख लेना एक बार। एनीवे, मेन मेनू भी एक बार हम दिखा देते हैं, जो कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लोली दिखा देता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स है, फोन है, स्लीप है, एचआर मतलब हार्ट रेट डिटेक्शन कर सकता है, SPO2 मेजर कर सकता है, एक्सरसाइज सेक्शन से जाके आप बहुत सारा वर्कआउट मोड देख सकते हो। यहाँ प्लस बटन में दबा के और भी ज्यादा वर्कआउट मोड को यहाँ पर फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा वेदर भी है, वेदर करंट वेदर एंड नेक्स्ट 5 डेज का वेदर यहाँ पर दिखाता है। मैसेज वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो, AI वॉइस एंड वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है। बाकी यहाँ से आप रिमोटली फोटो कैप्चर कर सकते हो, शटर बटन से टाइमर भी सेट कर सकते हो, ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा स्टॉप वॉच एंड फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है, फाइंड फोन का भी ऑप्शन है, गेम्स का भी ऑप्शन दिया गया है। 3-3 गेम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड अदर्स मतलब सेटिंग्स का फिर से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। कैलकुलेटर भी हो जाता तो भाई बहुत बढ़िया होता। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमारे पास आज है एक ऑक्सी
ऑक्सीमीटर जो कि एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीमीटर है एंड काफी एक्यूरेट डेटा देता है। इसके डेटा के साथ घड़ी के डेटा का हम कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हार्ट रेट। तो यहाँ पर 89-90 बीपीएम हो रहा है मेरे स्मार्ट वॉच में एंड यहाँ पर ऑक्सीमीटर में भी देख सकते हो 90 बीपीएम हो रहा है जो राइट साइड वाला डेटा है। सो काफी क्लोज यहाँ पर डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इधर 91 हो रहा है। ओके सो लेट्स चेक SpO2 एंड SpO2 के भी डेटा देख सकते हो भाई 98% हो रहा है एंड यहाँ पर 97% हो रहा है मेरा ऑक्सीमीटर में। ये भी काफी क्लोज डेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज हमने यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ पर हार्ट रेट मेजर करने के लिए आपको ग्रीन LEDs जलता हुआ दिखेगा एंड SpO2 मेजरमेंट के टाइम भी यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की ही LEDs जलता हुआ दिखेगा। सो दोनों के लिए सेमी LED का यूज किया गया है एंड बाकी देख सकते हो मैं अगर किसी भी सरफेस पे इसे छोड़ दूं तो ये कोई डेटा नहीं देता यानी मेजर नहीं करता है, यानी यहाँ पर आपको एरर मैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो ये अगर हाथ में अब नहीं पहन रहे हो तो कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं होते। टेप वगैरह की बात करें तो काफी अच्छा स्टेप है, कैलकुलेट कर लेता है 2771 स्टेप यहाँ पर दिखा रहा है। डिस्टेंस भी देख सकते हो 1.8 किलोमीटर एंड 92 कैलोरीज हमने बर्न किए। ये सारे का इन्फॉर्मेशन आपको घड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा एज वेल एज ऐप के साथ भी सिंक होता है तो ये आपको ऐप में भी देखने के लिए मिलेगा। लेट्स ट्राई द फोन कॉल यानी ब्लूटूथ कॉलिंग। ब्लूटूथ कॉलिंग सेक्शन में फर्स्ट रीसेंट कॉल, जिसने भी आप रिसेंटली कॉल किए हो उसी सारे कॉन्टेक्ट को आप यहाँ पर देख पाओगे। डायल पैड भी है, यहाँ से किसी को भी डायल कर पाओगे। स्टार हैश एंड प्लस का भी साइन यहाँ पर दिया गया है एंड भाई साउंड सुन सकते हो, कुछ इस तरीके का साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा एंड काफी लाउड साउंड है। यहाँ पर है स्पीकर एंड स्पीकर काफी लाउड है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से म्यूट कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो साउंड को फोन एंड अगेन यहां से आप स्विच करके फिर घड़ी में ला सकते हो साउंड को एंड यहां से वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एंड यहां से डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। कॉलिंग के टाइम माइक्रोफोन कुछ इस तरीके का साउंड देता है, आप इंपॉर्टेंट कॉल भी ले सकते हो एंड बाबू सुना भी आराम से कर सकते हो इससे। एनी माइक्रोफोन का क्वालिटी आपको अच्छे खासी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एंड नेक्स्ट कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन से आप फेवरेट कॉन्टेक्ट देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो। ओके होम स्क्रीन में आप लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सारे वॉच फेसेस दिए गए, बाकी बहुत सारे वॉच फेसेस आपको ऐप में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जाके आप क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस को एक्सेस कर सकते हो एंड उसे एज ए वॉच फेस आपके घड़ी में डाल सकते हो। इसके अलावा भी आप कस्टमाइज वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो, अपने चेहरा लगा सकते हो भाई। बिग डिस्प्ले है, काफी कूल लगने वाला। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। तो मेन जो इसका दिक्कत है वो है इसका बैटरी बैकअप, 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए मिलेगा। एनीवे इन दिस प्राइस रेंज मेरे को काफी अच्छा लगा, उसके पहले टर्मिनेटर भी काफी अच्छा लगा था। सो इसका प्राइस अगर 2000 के अंदर रहे या फिर 2 से 2500 के अंदर रहे तो देन डेफिनेटली गुड स्मार्ट वॉच बिकॉज ऑफ दिस बिग डिस्प्ले। अगर भाई आपको 2500 से 3000 के बीच में कोई बजट रहे तो भाई इसको छोड़ के कोई दूसरा वॉच चूज कर लेना। अदरवाइज IP68 का रेटिंग है सो आप इसे पानी वानी में भिगा सकते हो, नहा सकते हो इसे पहन के। That's all for today. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, you can write it down in the comment section. I will try to answer it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।